Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel and those who are new. Hi, my name is Sapna. So today's video is going to be a Meesho haul. Like I have bought some items from Meesho from last few months और वो बहुत ही कम items मैंने खरीदे हैं. कुछ items जो हैं वो मतलब अभी दूसरी जगह पे है तो वो मैं दिखा नहीं सकती हूँ. मतलब वो मैंने बहुत पहले खरीदे थे तो मैंने अपने शॉर्ट्स पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वो, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं उनको. बट अभी जो मैंने रिसेंटली मंगाए हैं वो मेरे पास है 2 pants एंड 2 top. टॉप नहीं, एक टॉप है और एक बैगी शर्ट है जो कि आपने शायद देखी होगी. नहीं देखी मैंने कहीं नहीं डाली. ठीक है, सो आई हैव दीज 4 items हियर एंड आई वॉन्ट टू शो यू ऑल दीज ब्यूटिफुल पीसेस. लाइक ये देखो मेरे पास ये 4 चीजें हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लैक. सो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं एंड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से फिट हुए हैं पहले तो इसीलिए मैं दिखाना चाहती हूँ. इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मीशो के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं. एक ही बार मेरे साथ स्कैम हुआ है तो अभी तो मैं मतलब देख लेती हूँ, वो जब तक पार्सल वाला रहता है तब तक ही मैं देख लेती हूँ क्या भी प्रोडक्ट है. अगर खराब होता है तो मैं वापस कर देती हूँ. सो हमेशा की तरह मैं इंट्रो फिर से बड़ा कर रही हूँ. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट गाइज, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो. सो ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो मेरा फर्स्ट आइटम जो है मैं टॉप से स्टार्ट करूंगी. मैं अपने जीन्स या पैंट जो भी हैं इनको मैं बाद में दिखाऊंगी, सबसे पहले मैं अपनी टॉप से स्टार्ट करती हूँ. सो दिस इज अ ग्रीन वन और ये मैंने स्मॉल साइज में लिया है. दिस इज द टॉप. इसमें ये कॉलर वाली टॉप है एंड साथ में आपको नॉट मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पर एंड इसकी पफी टाइप की स्लीव्स है, बहुत ही पर्फी टाइप की है एंड यहाँ पे रबड़ का मटेरियल दिया हुआ है. मुझे लगा था यहाँ पे ना ये जो नीचे टाइप है ना ये इतना पार्ट दिया हुआ ना ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे रबड़ काइंड ऑफ दिया हुआ है एंड ये टॉप ऐसी दिखती है. ये मुझे एकदम बहुत ही ज्यादा क्रॉप आती है. पहले तो मैंने बहुत ज्यादा स्मॉल साइज में लिए, देख लो आप. ठीक है, स्मॉल साइज की है ये एंड इस पर और तो कुछ नहीं लिखा. ठीक है, तो आप लोग ये खरीद सकते हो. इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, मुझे किसी का भी प्राइस याद नहीं है. ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख लेना. ये मीशो पे है एंड ये मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी लगी और बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी है. मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को इसे पहनते हुए देख लिया है तो मैंने सोचा आई थॉट. और इसका कलर भी ना पिस्ता वाला कलर है थोड़ा, तो इसलिए आई लव ड्राई फ्रूट्स में मुझे पिस्ता बहुत ज्यादा पसंद है, दैट्स व्हाई. सो दिस इज द कलर ऑफ दिस टॉप एंड इसका मटेरियल भी ना थोड़ा लाइनिंग वाला आपको दिख रहा होगा. लाइन्स दिख रही है आपको? यस, इट्स अ लाइनिंग काइंड ऑफ मटेरियल एंड कपड़ा थोड़ा आई डोंट नो कपड़ा किस टाइप का, बट लाइनिंग वाला मटेरियल है एंड बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है क्रॉप टॉप के लिए, आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं. मीशो बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है आपने मुझे. ठीक है, सो दिस वन इज अ वेरी गुड डील, यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट. सो द नेक्स्ट आइटम इज अ what I call this is a baggy t-shirt. like this one is like stay groovy type of, यहाँ पे लिखा हुआ है stay groovy, stay lutued groovy. so ये बहुत ही ज्यादा trendy लगी मुझे क्योंकि groovy it means groovy. all right, so it's totally baggy. ये मुझे मतलब shoulders पे मेरे थोड़ा वो नहीं हो जाता, थोड़ा ढीला kind of हो जाता है, क्या बोलते हैं इसे, और क्या कौन सा shoulder होता है ये आई डोंट नो, मैं मैंशन कर दूंगी स्क्रीन पे. ठीक है, ऐसे करके मतलब गिर जाता है, यहाँ पे इसके शोल्डर्स आते हैं बट इट्स लाइक आई डोंट नो क्या नाम होता है उसका, मैं भूल रही हूँ. ठीक है, तो ये ब्रांड से है, ल्यूट्यूड ब्रांड है इसका. ये मीडियम साइज में मैंने ली थी, मैंने सोचा था मैं स्मॉल में ले लूँ बट फिर मैंने सोचा मुझे तो बैगी लुक क्रिएट करना है तो फिर मैंने इसे मीडियम में ले लिया. लार्ज में ले ली थी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता. सो दिस इज द ऑरेंज कलर ऑफ टी शर्ट, बिल्कुल ऑरेंज जो है इसका वो संतरा वाला ऑरेंज नहीं है इसका. इसका ऑरेंज थोड़ा डार्क कलरिश में ऑरेंज है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है आप ब्लैक के साथ, ब्राउन के साथ, व्हाइट के साथ या कोई भी कलर, ब्लू के साथ भी ये चल जाएगा. मतलब हर कलर के साथ ये जा सकता है और ये समरी वाइब्स तो बहुत ज्यादा दे रहा है, तो समर आउटफिट हॉल टाइप ऑफ हो गया ये. ठीक है, काइंड ऑफ यही डाल दूंगी मैं टाइटल में, देखते हैं. ठीक है गाइस, सो दिस इज दी, मैं प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ. सारी चीजें जो है मतलब दोनों टॉप जो है वो 400 के अंडर ही आई थी. ठीक है, दोनों की दोनों. और जीन्स जो है वो थोड़ा रेंज हाई हो गई है उनकी, थोड़ी सी हुई है, ज्यादा नहीं हुई. ठीक है, सो दिस इज द टी शर्ट, बहुत ही ज्यादा बैगी है एंड ये बहुत ही कूल लुक क्रिएट करती है. सो यू कैन चेक इट आउट एंड
मैं सबके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी जीन्स और पैंट्स और वट एवर यू कॉल दैम, स्ट्रेट फिट, कार्गो, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, सो पहली बार मैंने मीशो से जीन्स और जो भी पैंट मंगाए हैं एंड इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. ठीक है, मोस्टली मैं हमेशा मार्केट से लेती थी बट इस बार मैंने सोचा मीशो पे विश्वास करते हैं. विश्वास तो था नहीं मुझे बट फिर भी मैंने किया एंड ये मेरे विश्वास पे पूरे खरे उतरे हैं. ठीक है, सो दिस इज द पैंट जो कि मुझे 500 के अंडर मिला है. मतलब गाइस यू कैन इमेजिन इट, ये 500 के अंदर. ठीक है, मीशो इतने कम में दे रहा है. पहले तो उन्होंने मुझे ये मतलब ज्यादा साइज में दे दिया था, फिर उसके बाद मैंने उन्हें रिटर्न किया, फिर उसे कम साइज में मंगाया. तो जो फोटो में आपको दिखेगा उसमें ना ये लाइनिंग ना व्हाइट कलर की नहीं होगी, जो लाइनिंग दी गई है व्हाइट कलर की बिल्कुल नहीं है, इसमें ब्लैक कलर की लाइनिंग दी गई है बट इस वाले में व्हाइट कलर की है. मुझे ये वाला पर्सनली ज्यादा पसंद आया, अगर वो भी होता तो मैं उसको देख लेती. मैंने देखा हुआ है कुछ कुछ लोगों की वीडियोज में उन्होंने डाला हुआ है तो वो भी मुझे ठीक लगा, बट ये वाला मुझे वर्क जो है इसका बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि व्हाइट कलर की लाइनिंग ऊपर से दी गई है, बहुत ज्यादा ट्रेंडी है. ये मैंने अर्बैनिक पे भी देखा था जिसका प्राइस 1000-2000 के अराउंड ही था, तो बहुत ही ज्यादा हो रहा था वो, तो ये मुझे 500 के अंडर मिल गया था. इसकी देखिए कितना ज्यादा ट्रेंडिंग वर्क है, जो ये भी थ्रेडिंग वाला वर्क है ना ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे तो. और ये कार्गो टाइप है, इसमें बहुत सारी जेबें हैं. पैसा तो मेरे पास है नहीं पर कोई नहीं, इन जेबों में हम पैसे के सिवाय और भी चीजें रख सकते हैं. ठीक है, सो ये दोनों साइड पर है एंड आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये कैसा लुक क्रिएट कर रहा है. मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, पूरा जीन्स काइंड ऑफ मटेरियल है, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेची नहीं है बिल्कुल भी एंड इसको 2-3 बार धो चुका है, इसका कलर तो बिल्कुल भी फेड नहीं हो रहा है. तो ये प्राइस वाइज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड क्वालिटी वाइज भी अच्छा है. यू कैन चेक इट आउट एंड गो फॉर इट. So guys, the last item of this haul video is again a pant जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है because it's in brown color. Like मेरे पास आज तक कभी भी brown color में कोई pant या top भी नहीं थी, शायद बचपन में रही होगी but I don't remember it. So this is the brown pant and इसका ये देखो, पहले तो ये इसकी कमर मुझे इतनी ज्यादा फिट आई है ना, एकदम परफेक्ट फिट आई है, सॉरी इतनी अच्छे से फिट आई है आप सोच भी नहीं सकते. एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रेट फिट जीन्स है जो कि पूरा बैगी काइंड ऑफ लुक देता है एंड ये मुझे परफेक्ट नीचे तक भी मुझे एकदम परफेक्ट आया. सो दिस वन इज अ गुड डील फॉर मी. एंड अगर गाइज आपकी भी हाइट मेरे जितनी है या फिर कमर मेरे जितनी है देन जस्ट गो फॉर इट. इसका प्राइस समथिंग 700 के अराउंड था तो मुझे थोड़ा सा मतलब हाई लगा बट इतना भी हाई नहीं है भाई. अर्बैनिक से मैच करो, H&M से मैच करो तो बहुत ही ज्यादा कम प्राइस है इसका, बहुत ज्यादा ही कम. सो दिस इज द जीन्स जो कि पूरी वीडियो में नहीं आ रहा तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ. तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने एक भी बार इसे वॉश आउट नहीं किया है तो इसका कलर का तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है बट दिस लुक्स टू गुड. इतना रिच लुक दे रहा है ये एंड स्ट्रेचेबल मटेरियल तो नहीं है, मतलब जीन्स काइंड ऑफ मटेरियल है इसका. सो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है ये वाला जीन्स, ब्राउन वन, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं. मैंने अभी तक मीशो से सिर्फ दो ही जीन्स लिए हैं, दिस वन ब्राउन वन एंड दिस ब्लैक वन. सो यही दो जीन्स लिए हैं मैंने, एक पर्पल कलर का जीन्स भी विशलिस्ट कर रखा है, मैं उसको भी लूंगी. आपको उसका भी मतलब फोटो दिखा दूंगी मैं आपको, उसको भी दिखा दूंगी. ठीक है, तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने और लोगों को पहने हुए भी देखा था उनकी वीडियोज में तो वो भी अच्छा काइंड ऑफ ही है तो मैं वो वाला भी लूंगी. एंड मतलब मीशो से मुझे मतलब जीन्स अच्छे लग रहे हैं यार, मीशो से ले सकते हैं हम, क्यों अर्बैनिक पे जाएं, क्यों इतने पैसे बर्बाद करें इतने महंगे महंगे, हम मीशो से लेंगे यार. अमेजोन से मैंने आज तक कभी नहीं लिया है और किसी ब्रांड से तो भी नहीं लिया है बट मीशो इज अ गुड क्वालिटी ऑफ पैंट सेलर सो हम उससे ही लेंगे अब. एंड मेरे पास एक और मीशो से एक और ट्राउजर काइंड ऑफ मटेरियल था जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में दिखा चुका है, जो मेरी एक शॉर्ट्स पे पड़ी होगी वो वीडियो आपको मैं इधर दिखा दूंगी. ठीक है, तो वो भी मैंने अपने मीशो से ही लिया था, वो मेरा पहला बॉटम वेयर था मीशो से जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था मुझे. मतलब उसके बाद से मुझे मीशो से लगाव हो गया था, मैं मीशो से बहुत ज्यादा क्लोथ्स मंगाने लगी थी एंड अभी भी मंगा रही हूँ मैं. मतलब बहुत मतलब रेयरली मैं ना जब भी मंगाती हूँ ना मेरी मम्मी हमेशा बोलती है नहीं नहीं नहीं, वो तो सबकी बोलती होंगी यार, बट फिर भी आई एम अ शॉपहोलिक ऑफ ऑनलाइन क्लोथ्स, क्लोथ्स की तो मैं हमेशा से हूँ. ठीक है, सो गाइज बहुत बकबक कर ली आज मैंने, बहुत ज्यादा ही बकबक कर ली. ठीक है, तो यही मैंने 4 कपड़े लिए थे मीशो से जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं. आप इनको आंख बंद करके ले सकते हैं,
ठीक है, बस पैसे का ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है, जब भी आप कर रहे हो ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, तो वो भी देख लेना। एंड दीज क्लोथ्स आर टू गुड, यू कैन गो फॉर इट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन यू हैव टू नो दैट व्हाट यू हैव टू डू। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट यू नेवर मिस द अपडेट्स रिलेटेड टू माई वीडियोज। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड बी सेफ। बाय।